हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 5.3 ऑफ पार्ट 3 की बात करें। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारी न्यू है जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे एक बार पढ़ लेंगे क्या लिखा, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दिए हैं क्वेश्चन को, सभी एक बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ साफ साफ लिखा है हाउ मैनी टर्म। क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म का मतलब है आपको क्या निकालनी है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ द एपी 9, 17, 25। एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है बच्चों आपको 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। और इनका क्या गिवन है, सम गिवन है, क्या गिवन है, सम यानी SN गिवन है 636। ए की वैल्यू सबको मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 9 है, बात क्लियर हो गई। डी आप निकाल सकते हैं कैसे, A2 - A1 करके, A2 की वैल्यू 17 - 9 कितना जाएगा 8 आ जाएगा, कितना जाएगा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। आपको ए भी मालूम है, डी भी मालूम हो गया, SN ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है। तो N निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों हो जाता है SN = N/2 2A + N - 1 D। तो चलिए SN = फॉर्मूला होता है हमारा N/2 2A + N - 1 D। SN की वैल्यू कितनी है तो आपको पता है 636। N की वैल्यू मालूम नहीं, फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू 9, N - 1 और D हमारा कितना बच्चों 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो 636 N/2, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच गया कितना N-1 और इंटू में 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 4 यहाँ बचेगा। इस वाले 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 636 = N 9 + 4 की N में 4N और 4 1 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, यस एंड नो वो बताइए। देखिए कैलकुलेशन है सिर्फ और आपको यहाँ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर अपना फोकस रखना। देखिए तो कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आराम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा 636 = N, 9 में से 4 जाएगा तो 5 प्लस में कितना आ गया 4N। आइए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए कैसे करेंगे देखिए, N की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5N, N की 4N में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4N² ठीक है, और इक्वल टू में कितना आपका 636। इसको इधर लेकर के आएंगे और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी हमने, कैसी बना दी आपकी क्वाड्रेटिक, प्लस से इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 636 और इक्वल टू में जी। अब आपको क्या करना बच्चों, इसके करने आपको फैक्टर क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, कितने करने हैं फैक्टर करने हैं। तो देखिए हम अगर यहाँ पे 4N² + 53 - 48N और माइनस का 636, देखिए फैक्टर ये होंगे 53 - 48 लिख देते हैं यहाँ, देखिए 53 - 48 इक्वल टू हो जाएगा 5 और 53 * 48 हो जाएगा आपका कितना 636 ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही आएगा। ठीक है 40, अच्छा ये 53 है भाई, मल्टीप्लाई अपने आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही फैक्टर है ठीक है 53 और कितना 48। आइए अब आगे कर लेते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, तो कितना हो जाएगा 4N² + 53N - 48N - 636 = 0। अब यहाँ से तो N कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4N + 53 माइनस का कितना कॉमन आएगा यहाँ पर देखिए 12 आ जाएगा 12N ठीक है। तो 12 4 = 48 और 12 5 = 60 12 3 = 63
इक्वल टू में जीरो, तो एक तो फैक्टर आ गया एन माइन, ये एन नहीं आएगा यहाँ, एन माइनस ट्वेल्व, और एक कितना आ गया फोर एन प्लस में 53 और इक्वल टू में जीरो। अब इनको क्या करना, जीरो के इक्वल पुट करिए, एन माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। अब यहाँ पे एन फोर एन प्लस में 53 इक्वल टू में जीरो, तो 4n इक्वल टू कितना माइनस का 53, तो n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 53 अपॉन में 4। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेग्लेक्जेबल कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी कैसी नहीं हो सकती है, माइनस की नहीं हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर बच्चों कंप्लीट होता है 4, तो बीइंग और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे आपके 12, तो ये आपका आंसर। चलिए चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से हम लोग अब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एन की वैल्यू आ गई 12। तो हम चलेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 में हमें क्या कह रहा है हम उसको बहुत ध्यान से अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आप लोगों का कौन सा 5, और ये तो साहब आपने नोट ही कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 5, कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 5 में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, फर्स्ट टर्म गिवन है कितना कह रहा है 5 हो जाएगी आपकी, एपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी कितनी 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म गिवन है कितनी है 45 हो जाएगी एल की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे कह रहा है एंड द सम इज 400, सम कितना कह रहा है 400, यानी SN आपको गिवन है कितना बच्चों 400 गिवन है। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म यानी n और d, ये आपको दोनों को क्या है बच्चों क्वेश्चन मार गए, यानी ये आपसे क्या कहा गया दोनों चीज़ें बता दो भाई। चलो हम आराम से इनको बताएंगे। सबसे पहली बात, जब आपको SN में लास्ट टर्म गिवन होती तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या होता है a प्लस एल होता है, क्या होता है a प्लस एल, ये बात तो सभी को याद है भाई, 3 फॉर्मूला बताए थे, एक बताया था एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक बताया था आपको एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो अब यहाँ पे हम ए प्लस एल का क्या करेंगे, यूज करेंगे कैसे, एस एन की वैल्यू रखिए 400, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 45, तो 400 इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 45 और 5 हो जाएंगे बच्चों कितने 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, हमारा टाइम डिवाइड हो गया 2 से, ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका हो जाएगा 25n, भाई मल्टीप्लाई कर दी और इक्वल टू में कितना आपका 400। अब इसको क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे सर, कितने टाइम जाएगा जल्दी बताइए, कितने टाइम जाएगा जब आप 25 से डिवाइड करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सभी डिवाइड इसको, कि कितना डिवाइड करने के बाद आपका ये आ रहा है, वेरी गुड, कितना, वेरी गुड, कितना आ गया एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों 16 आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब डी की वैल्यू हम आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एन आपका कितना आ गया 16, बात तो समझ में आ गई। अब सर हम कहाँ से एन की वैल्यू निकाले, एन की तो आ गई, अब डी की हम कौन से फॉर्मूले से हम वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे हर एक चीज़ पता चल चुकी है। तो सबको मालूम होगा एक फार्मूला होता था एन वाला, एन याद है जिसको मैं एल भी बोल देता था, है ना, एन किसके इक्वल होता था एल के, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगा देता हूँ फार्मूला कि एल इक्वल टू होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एल की वैल्यू कितनी हो गई 45, ए की वैल्यू हो गई 5, एन की मालूम है यस 16 माइनस वन, और डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हमारा कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क है, डी तो फाइंड आउट करना है ना, ये ऐसे रहने दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 में से 1 जाएगा तो 15 डी, 45 में से 4 जाएगा तो 40 अपॉन इक्वल टू में 16 डी, तो हमें तो डी की वैल्यू चाहिए तो 40 अपॉन में 16 आ गया, ठीक है। अब इसे क्या कर दीजिए, थोड़ा सा आप डिवाइड भी कर सकते हैं जिससे आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाए, जैसे क्या सर ए आपका होता है 85 जा और 3 ओह सॉरी डिवाइड करेंगे ना, तो चलिए कर दीजिए, ये चला जाएगा आपका 5 8 जा, ठीक है
फाइव एट जा होता है ना, एट फाइव जा और एट टू जा कितना आएगा, 40/16 को डिवाइड करिए, नीचे कितना, अच्छा नीचे 15 है, हाँ मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ कितना है 15 है, और तो 3 5 जा तो सॉरी 3 5 3 जा तो डी इक्वल टू कितना आ गया 8/3। ध्यान से देखेंगे 5 8 जा 40, 5 3 जा 50, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो ये आ गई आपकी एन, और आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, डी आ गया। लास्ट में आप हैंड्स करके भी इसको आप लिख सकते हैं कि सर हमारा एन 16 आ गया और डी हमारा 8/3। दोनों वैल्यूज़ को, दोनों आंसर को एक साथ लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहे। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग उसको आराम से अब देखेंगे। चलिए जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइएगा सभी बच्चे। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 and 350। सबसे पहले 6 में कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है ना वो कितनी है, 17 है, यानी A की वैल्यू कितनी है, 17 है। L कितनी कह रहा है, 350 कह रहा है। L कितना है बच्चों, 350। L हमारा कितना आ गया, 350 आ गई बच्चों। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपकी बार आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया, और वो भी है कितना, 9 है। चलिए जी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। हाउ मेनी टर्म आर देयर, कितनी टर्म है यहाँ पर, एन क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट इज देयर सम, और क्या पूछा, इनका सम बता दीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं सम पूछ लेगा तो कहीं नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, कहीं कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, कहीं फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, कहीं लास्ट डिफरेंस लास्ट टर्म पूछ लेगा, यही तो है मैथ में और है क्या। चलिए जी क्या क्या दिया, ए की वैल्यू 17 हो गई, चेक कर लीजिए, एल 350 हो गया, डी 9 हो गया, एन क्वेश्चन मार्क हो गया, एस एन क्वेश्चन मार्क हो गया। सबसे पहली बात हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है, सर कौन सा मालूम है, सब्र कीजिए सब पता चलेगा। एल वाला फॉर्मूला याद होगा, अभी लिखा यहाँ पर देखिए क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से चेक कर लीजिए आराम से, हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, कैसे कैसे करेंगे, एल कितना है 350, ए कितना है 17, एन तो क्वेश्चन मार्क है फाइंड आउट करेंगे, और डी कितना आपका 9, पास में आ गई क्या, इसको इधर लेकर आइए, तो 350 माइनस 17 9 एन माइनस 1, जल्दी से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा 3, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3, और ये ऑटोमेटिक पहले से ही कितना है 3 इक्वल टू 9 एन माइनस 1। अब क्या करेंगे सर, इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे भाई, 3 3 3 अपॉन में 9, 9 3 जा होते हैं 27, कितने बचे 6, और 9 7 जा ठीक है तो 63, एन माइनस 1 इक्वल टू 37, एन इक्वल टू 37 प्लस 1 तो एन इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 38, एन की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। जल्दी से आप लोग एन की वैल्यू यहां तक तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपसे पूछा गया ना, पूछा क्या गया आपसे, एस एन पूछा गया, व्हाट इज देयर सम, तो इनका सम आपको बताना है। सम का फॉर्मूला फिर से वही, क्योंकि लास्ट टर्म ऑब्वियसली पहले से ही आप लोगों को दी हुई है, तो सम का फॉर्मूला तो हम लास्ट वाला ही लगाएंगे हम, ठीक है, हम फर्स्ट टर्म वाला क्यों लगाएं जब हमें एन की एल की वैल्यू गिवन है पहले से ही, तो हम यहाँ पे एल वाला ही लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, यही तो होता फॉर्मूला। यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू पुट करेंगे, आप देखो एन की वैल्यू कितनी आई है 38, तो यहाँ एस 38 हो जाएगा, एन यानी 38 अपॉन में 2, ए हमारा कितना है 17, एल हमारा कितना है 350, बात क्लियर हो गई होगी। कितने टाइम जाएगा सर, 19 टाइम जाएगा, तो 19 ऐड कर दीजिए, 7 5 और 1 कितना होता है 6, और 3 का 3 19 × 367 19 × 367 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी करके बताइए कितना आएगा,
6973, वेरी गुड, 6973 आपका क्या आ गया, S38 टर्म का क्या आ गया, सम आ गया। तो क्या क्या पूछा गया आपसे, सम पूछा गया देयर टर्म का और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आई ये पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ बच्चों हो जाता है कंप्लीट। देखिए अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करेंगे वीडियो का और वीडियो को देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। सब कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी आपको, आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी, क्या करना है क्वेश्चन को समझना है जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर जी रेडी है क्वेश्चन लगाने के लिए स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म्स का आपको क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। और आगे कह रहा है इन विच डी इक्वल टू 7 है, 22nd टर्म हम लोगों को गिवन है 149 सॉरी। ठीक है आओ इसको रफ करते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिख देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो क्या फर्स्ट 22 टर्म यानी S22 आप लोगों को क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहली बात तो ये है हमें गिवन है। आगे कहा है जिसमें से फर्स्ट टर्म तो है 22, सम ऑफ सॉरी एपी इन विद डी इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू कितना बच्चों 7 है, एंड 22 टर्म आप लोगों को गिवन है 149 क्या लिखा है इन विच एंड डी ए 22nd टर्म इज 22nd मतलब है A22 क्या गिवन है 149 ये आपको गिवन है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ क्या करेंगे सर, an वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा वाला, an वाला, कैसे सर, क्यों भाई an वाला क्यों नहीं लगा सकते हम भाई, A22 की वैल्यू आपको मालूम है, d आपको मालूम है, a हम लोग यहाँ आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, या इसको भी हमने लीजिए हटा दिया, आपको एक सबसे ईजी मेथड हमने पहले ही बताया हुआ है। क्या बताया था सर आपने, हमने कहा था सर A22 का फॉर्मूला होता है A+21D, याद आ गया होगा ए, बहुत दिनों में याद आया है ना, बहुत दिनों में यूज़ किया इस वाले 149। ए की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, डी मालूम है, पर डी कितना है 7, 149 ए मल्टीप्लाई करिए 7 × 14 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 149 − 154। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, देखिए 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 5 आ गया ना माइनस का, ठीक है कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 5 आ गई। बट आपसे तो S22 पूछा गया है, S22 में क्या क्या चाहिए होगा, S22 में हमें ए की वैल्यू चाहिए मालूम पड़ गई, डी हमें पहले से ही पता है, अभी एन की वैल्यू और चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए एन। आप कहेंगे सर एन तो हमें पता नहीं है, क्यों नहीं पता, क्या एन ये नहीं है क्या 22, एस एन क्या बोलते हैं एस एन, एन कहाँ सफिक्स में लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई। आपको यहाँ से डायरेक्ट एन की वैल्यू बच्चों पता चल गई, तो इसलिए यहाँ भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है यहाँ भी क्या है कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए ठीक है, चलिए जी डायरेक्ट आइए यहाँ पर 2 लगा दीजिए और क्वेश्चन फॉर्मूला थोड़ा बढ़ा दिए, 2a + n − 1 × d, यही तो होता है ना, ठीक है। तो s n की वैल्यू है 22, साफ साफ पता चल गया। तो यहाँ पर 22/2, a हमारा 5, n हमारा 22 − 1, d हमारा कितना है 7, कितने बार जाएगा बच्चों सर 11 टाइम, तो 11 लिखा, 2 × 5 = 10 + 22 वन में ये 1 हो जाएगा और इंटू में 7, 11 माइनस का 10, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 147 कितना आ गया 174, यहाँ पर कैसा साइन था ये प्लस का बच्चों, 11 इंटू माइनस कर दीजिए 147 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 137। जल्दी से एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर तैयार है। हम चलेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे भाई, 8 पर चलेंगे ना, क्या हुआ गलत क्या आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या कर लेते हैं। हाँ जी गलती पकड़ में आ गई होगी, यहाँ 21 है 22 नहीं है,
ठीक है, ये देखिए ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं कभी कभी ले बैठती हैं, ठीक है। देखिए यही मैथ है, यही मैथ है। आप कहते हैं ना हमारे अदर सब्जेक्ट से कम क्यों है, यही मैथ है। अगर आपने क्वेश्चन में डिजिट गलत कर दी ना, आपका वहीं पर सारा मामला क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ए हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन को रीचेक और सही कर लेंगे सभी बच्चे, 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 7 4 11, 415 151। मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसकी जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा जल्दी से 11 की और किसकी 151 की। अब आ गया सही, धन्य है आप लोग जो आप लोग देखते ही मेरी गलतियों को बता देते हैं, चाहे वो खुद आपने ही की हो। जब यहाँ तक क्वेश्चन चलता आ गया, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया क्या लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सही हो गया, बस कहने का मतलब ये। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों कौन सा, 8, और 8 में क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, फर्स्ट 51 टर्म निकालनी है। सम कौन सा निकालना है, फर्स्ट 51 टर्म का, यानी S51, n की वैल्यू साफ पता चल गई होगी। कुछ सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकेंड टर्म गिवन है यानी इसको हमको रफ करना होगा। सेकेंड और थर्ड टर्म हमको यहाँ पर बच्चों क्या है मालूम है, इसको कर दिया जी हमने यहाँ रफ। देखिए सेकेंड और थर्ड टर्म इसको भी कर दिया हमने रफ, फॉर्मूला लिख देंगे फिर बाद में, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बस एक बार। तो सेकेंड टर्म आपसे कह रहा है बच्चों 14 है। सेकेंड का फॉर्मूला सबको मालूम है, a प्लस डी इक्वल टू कितना होता 14। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बच्चों, ये फर्स्ट हो गई। एंड थर्ड टर्म कह रहा है 18, थर्ड टर्म यानी a3 कह रहा है कितना है 18 है। a3 का फॉर्मूला a प्लस कितना होता है 2d इक्वल्स टू कितना 18। इक्वेशन नंबर हो गई बच्चों आपकी ये सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, फोर ओम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू में 18, ये होगी कौन सी वाली सेकेंड वाली, और फर्स्ट वाली कौन सी है ये रही a प्लस डी इक्वल्स टू कितना है 14। देखिए माइनस एलिमिनेशन लगाएंगे, a से a कैंसिल, 2d में से d जाएगा d और 18 में से 14 जाएगा तो 4। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, सिंपल सी बात है d हमारा कितना आ गया 4 आ गया, डी कितना हो गया 4 आ गया। अब ए भी तो चाहिए तो पुट कर दीजिए, पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे ए प्लस 4 इक्वल्स टू में 14, ये 4 इधर जाके कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस का, ए इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब आपसे तो कहा गया था S51 बता दो भाई, कितना बता दो S51 बता दीजिए। तो S51 का हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए SN इक्वल टू क्या होता है N/2। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं करता, लिखता जरूर हूँ इसलिए भी आप लोग भी अपनी आदत डालिए। तो S51 51/2, 2A की वैल्यू 10, N माइनस और 51 माइनस 1, D हमारा कितना है भाई, D हमारा कितना है 4 है। आइए जी 51/2, 2 10 जा 20, 51 में से 1 जाएगा कितना आएगा 50 आएगा, इंटू में 4। तो 51/2 20 + 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा 200। 51/2 200 और ये 220 कितने बार जाएगा 110 टाइम, कितने टाइम जाएगा 110। तो क्या लिखेंगे 51 की 110 में मल्टीप्लाई कर दी, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर रेडी है, देखिए कैसे करेंगे। तो 0 लगा दीजिए सबसे पहले, तो 11 1 जा 11 का 1, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 6 1 0 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 8 था, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये आपका 8 कंप्लीट हो गया बच्चों, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर जी ने लगा दिया था। तो यहाँ तक आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट, और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 की बच्चों। तो 5.3 में हमने क्वेश्चन कर लिए कितने अपने 8 कर लिए हैं,
नाइन की तरफ हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए अपने नाइन पर, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन, आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा, नाइन। चलिएगा स्कोर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है नाइन, नोट कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा आराम से, इधर का पार्ट हम रफ कर देते हैं ना, ये नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाया है, क्या कह रहा है नाइन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एपी इज 49, सम गिवन है, ठीक है, एस सेवन, सम ऑफ सेवन टर्म कितना कितना कह रहा है, 49 कह रहा है, 49, ठीक है। अब यहां पर आइए पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखिए कितना हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एस सेवन है ना, तो सेवन अपॉन टू टू ए प्लस एन, यानी क्या 7 माइनस वन, डी हमें मालूम नहीं है, इक्वल टू में 49 हो जाएगा, बात क्लियर हो गई होगी, 7 अपॉन टू, ठीक है, 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d, इक्वल टू में 49, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले बच्चों, ये ले लिया जी कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस 2 3 जा 3d, इक्वल टू में कितना 49, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, क्या बचा बच्चों a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी, ये फर्स्ट आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड दैट 17 टर्म, और 17 टर्म का भी गिवन है, एंड s 17 को कह रहा है 289, कितना कहा गया 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, चलिए वो बाद की बात है, पहले यहाँ लगाइए फॉर्मूला, n अपॉन टू टू ए प्लस एन, यानी 17 माइनस वन, डी हमें मालूम ही नहीं, तो स्कूल टेंशन नहीं लेनी आपको, 289, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे आप लोगों को इजीली हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, सर ये क्या करा आपने एक साथ काट दिया ना, तो इसलिए ना इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप लोग, इससे और आप आसान हो गया ना, बार बार वही नंबर लिखते हैं आप बार बार, ठीक है। आइए देखिए इसको भी यहीं काट दिए, 17 का होल स्क्वायर होता है 289, आइए यहाँ देखिए 1 अपॉन टू टू ए प्लस 16d इक्वल टू में 17, फिर से क्या करिए सर, 2 को कॉमन ले लीजिएगा, बिल्कुल जी कॉमन लेंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट है आप लोगों का ये 3, पार्ट 3 है, देखिए पार्ट 3 में हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की, यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया बच्चों, 2 अपॉन 2, यहाँ से क्या जाएगा ए 28 जा 16 और इक्वल टू में 17, 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस 8d इक्वल टू में 17, इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कितना आ जाएगा सर, सर हो जाएगा ए प्लस 8d इक्वल टू में 17 और a प्लस 3d इक्वल टू में हमारा है 7, ये हो गई बच्चों सेकंड, ये हो जाएगी फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा दीजिए सिर्फ, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, क्या करना है एलिमिनेशन लगाना है आपको, एलिमिनेशन से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5d, 17 में से 7 गए 10, 5 टू जा 10, d की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू और निकाल दीजिए, किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, a की वैल्यू और निकालिए, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख दीजिए, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू में 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया फर्स्ट नंबर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट एंड टर्म का सम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा दी, किसका फॉर्मूला लगाइए एस एन का, देखिए यहाँ पर लिख देते एस एन क्वेश्चन मार्क है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए ध्यान से, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना होता है डी, आइए एन अपॉन टू, एन तो हमें मालूम ही नहीं, टू ए की वैल्यू कितनी है 1, एन मालूम नहीं छोड़ दीजिए, डी हमारा कितना है 2 है, आइए एन अपॉन टू, सबसे पहले देखिए 2 को हम यहाँ से कॉमन ले ली, अच्छा रुक जाइए अभी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 1 जा 2
2n और माइनस का कितना हो गया 2, 2 जो है 2 ये कैंसिल, n अपॉन 2 क्या बचा यहाँ से बच्चों 2n, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया n स्क्वायर। तो sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो ये हमारी बात हो गई बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन से की 9 की बात हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। देखिए कहाँ तक हो गए 9 तक, और पार्ट कौन सा था, पार्ट था ये आप लोगों का 3। पार्ट 3 में हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट जो 4 होगा उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। टोटल इसमें जो क्वेश्चन गिवन है 20 क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट एक सजेशन हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5, यहाँ से 6 से 7 नंबर का बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बार बार देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो कभी भी यहाँ से डिलीट नहीं होगी, हमेशा पड़ी रही। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पढ़ाई अपनी आराम से करते हैं।